क्या कार्रवाई होगी। अतीक अहमद की अगर मैं बात करूँ तो अतीक अहमद को लेकर आप क्या कहेंगे और जिस तरीके से उसका अंत हुआ और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में उसका साम्राज्य कौन संभालेगा, कौन उसकी गद्दी का अधिकारी होने वाला है? अतीक अहमद का जो आपराधिक साम्राज्य था वह बड़ा ही संगठित था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, इलाहाबाद में 3 बार मेरी तैनाती रही, लेकिन शुरू की जो 2 तैनाती रही 79 और 83 वगैरह में, तब इसको कोई जानता नहीं था। हाँ 94 में वहाँ DIG कमांडेंट था PAC का, तब मैंने इसका पीक देखा है। और अतीक को अतीक बनाने में जो सबसे बड़ा रहा इसको राजनैतिक संरक्षण, और जब राजनैतिक संरक्षण रहा तो उस समय जो अधिकारी थे वो ये जो कहता था वही करते थे, तो उसकी रंगबाजी जो चली, उसके बाद जो जमीन देखी कब्जा कर ली। और एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि सोनिया गांधी जी के रिलेटिव फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के पति, उनके रिश्तेदार की जमीन पैलेस सिनेमा वहाँ, उसको कब्जा कर लिया। और उसके बाद जब वहाँ से यहाँ मुख्यमंत्री और सबको कहा गया तब जाकर बड़े मुश्किल से खाली हुआ। तो अतीक ने इतना अपना जो साम्राज्य बनाया इतना, और उसके जो सूटर थे वो बड़े डेडर थे, और उसके तहत इसने कब्जे किए। और इतना मनबड़ था, उससे एक मनबड़ का अंदाज लगा सकते हैं कि CO थे नोएडा, और वो उससे कुछ काम खा इसने, और जब काम नहीं किया तो वो सीनियर IAS अफसर के घर में घुस करके जो टेबल था बैठा वहाँ तोड़ फोड़ किया। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब सीनियर अफसर के ऊपर थानों में घुस करके जो तमाम उसने, और एक बार पुलिस गई रेड करने घेर लिया, उसके बाद कहीं जो भी रहे हों बात हुई, उसके बाद पुलिस लौट कर चली आई। तो अब उसका जो उसके कई खुद उसकी हत्या हो गई है, उसके भाई की हत्या हो गई है जो सबसे ख़तरनाक था, और उसके अलावा गुलाम उसका बेटा असद जिसको ये उठा रहा था वो मारे जा चुके हैं, और अभी जो गुड्डू बम्बा जिसकी पत्नी वो अभी फरार हैं। तो अभी इसके पास शूटर हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से पुलिस पीछे पड़ी है पूरे गैंग के पीछे, शूटरों के पीछे, उससे मैं ये कहूँगा फिलहाल तो ये नहीं लगता कि ये उभर पाए एटलीस्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार में। सर 10,000 करोड़ की संपत्ति इसकी बताई जाती है कि जो काली कमाई इन्होंने इकट्ठा की थी, तो आपको लगता है कि हवाला कारोबार भी है कि हवाला के माध्यम से भी पैसा आ रहा है, आपको लगता है कि शाइस्ता जो है वो इस पूरे पे चीज़ें कमान कर पाएगी? अब देखिए उतनी क्षमता तो नहीं है, हालांकि उसको सब जानकारी है, लेकिन जिस तरह से वो खुद भी वांटेड है, खुद भागी भागी फिरी रही है, देर सवेर गिरफ्तारी भी होगी, जेल भी जाएगी, प्रोसिक्यूशन होगा और सजा भी मिलना तय है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में गवाह नहीं तोड़ पाएंगे, अब किसी या राजू पाल को या उमेश पाल को नहीं मार पाएंगे, तो इसलिए उसको भी सजा तो होना है। और तमाम इसकी जो संपत्तियाँ हैं, जो तमाम बिल्डर्स तमाम लोगों के पास निवेशित हैं, ये देखिएगा तमाम ऐसे लोग वो संपत्तियाँ मार कर बैठ जाएंगे, इसको इसके परिवार के लोग उसको कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ चूंकि वो अपराध से कमाई गई संपत्ति है, तो जो अभी ED है, STF है और एजेंसी लगी हैं, SIT लगी हैं, वो सब करके अल्टीमेटली इसकी संपत्तियाँ तो राज्य सरकार ही उसको जब्त करेगी। और इसको ये कहिए अतीक अधिक के लड़के इसको दोबारा प्राप्त कर लें तो वो तो बहुत ही मुश्किल होगा, और जब तक BJP सरकार है तब तक ये नामुमकिन है, असंभव है। सर आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अतीक का जो गैंग है, अतीक और उसकी बीवी का जो गैंग है पूरे शूटर के साथ में, क्या ये पूरा अतीक के मरने के बाद में, अशरफ के मरने के बाद, शाइस्ता फरार है, तो क्या ये आपस में ही लड़ जाएंगे? क्या ये आपस में ही संपत्ति को लेकर, पैसों को लेकर, क्या आपस में इन लोगों का गैंग वॉर हो सकता है आपस में? देखिए फिलहाल तो अतीक के भी
चार बेटे हैं, उमर जेल में है, अली जेल में है और दो बच्चे भी नाबालिग हैं। ये परिवार है इसका। सूटर्स हैं जिनके पास वो संपत्ति के बारे में जानते हैं, वो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा संभव नहीं लगता। हमें ये ज़रूर लगता है कि देखिए, एक आदमी की इतनी बड़ी संपत्ति 10,000 करोड़ नहीं होती, वो तमाम लोगों के नाम से बेमानी है। और जब एक गैंग लीडर कोई मरता है और उसके बाद वो देखता है कोई वारिस नहीं है, जैसे असद उसके नक्शे कदम पर चल रहा था, धमकाने की हैसियत थी और वो गैंग लीडर बन चुका था, तो ऐसा जब कोई नहीं होता तो वो संपत्तियां लोग कब्जा करते हैं, उसको मार कर बैठ जाते हैं। और ये संभव है कि जब इन संपत्तियों की लड़ाई हो तो बाकी जो बेनामी संपत्तियां हैं, इसके कई सूटर बचे हैं, तो उनमें उन संपत्तियों को लेकर गैंगवार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।